आप देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। दोस्तों, नेपाल के पोखरा से इस वक्त हम आपको बहुत ही दुखद भरी घटना सुना रहे हैं, जहां नेपाल के पोखरा में आज रविवार को एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को हिला कर रख दिया। एक बड़ा विमान हादसा हुआ जिसमें 68 लोगों की मौत बताई जा रही है। बता दें कि यति एयरलाइंस का 72 सीटर प्लेन काठमांडू से 205 किलोमीटर दूर पोखरा में क्रैश हो गया। लैंडिंग से महज 10 सेकंड पहले विमान पहाड़ी से टकरा गया, जिसके बाद प्लेन में आग लग गई और वह खाई में गिर गया। इस दर्दनाक दुर्घटना के घटनास्थल की तमाम तस्वीरें आई हैं। खबर में देखें विमान हादसे का खौफनाक मंजर। नेपाल के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि अब तक 68 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और उनके शव को निकाले जा रहे हैं। विमान हादसे पर नेपाली सरकार ने दुख जताते हुए एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की है। इस विमान में 10 विदेशी नागरिकों समेत 72 लोग सवार थे। यति एयरलाइंस के 9NNC ATR 72 विमान ने सुबह 10:33 पर काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। पोखरा एयरपोर्ट पर उतरते समय ये विमान पुराने हवाई अड्डे और नए हवाई अड्डे के बीच सेती नदी के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पोखरा नेपाल के मशहूर पर्यटक स्थलों में एक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दावा किया कि विमान हादसा मौसम की खराबी के चलते नहीं बल्कि तकनीकी खराबी के चलते हुआ है। इस विमान में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के 4 दोस्त सवार थे। गाजीपुर जिले के चकजैनब गांव निवासी सोनू जायसवाल, चकदरिया चकजैनब निवासी अनिल राजभर, अलावपुर अफंगा निवासी विशाल शर्मा और धर्मा गांव निवासी अभिषेक सिंह कुशवाहा। ये चारों लोग मित्र थे। 12 जनवरी को अनिल राजभर, विशाल शर्मा और अभिषेक सिंह कुशवाहा एक साथ वाराणसी के सारनाथ पहुंचे थे। वहां से सोनू जायसवाल को साथ लेकर काठमांडू के लिए रवाना हुए। चारों ने काठमांडू से पोखरा के लिए फ्लाइट पकड़ी, लेकिन विमान खराब मौसम की वजह से पोखरा हवाई पट्टी पर उतरने से पूर्व दुर्घटनाग्रस्त हो गया।